कांग्रेस पर फेसबुक डाटा लीक कर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को नकारा। संसद के 13वें दिन भी हंगामे के चलते ठप हुई संसद। संसद में 39 भारतीयों की मौत और टीडीपी सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मांग की, काम नहीं तो काटा जाए वेतन। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की डिनर डिप्लोमेसी। सीएम योगी ने अपने आवास पर बीजेपी और सहयोगी दलों के विधायकों को डिनर के लिए बुलाया। वहीं सपा ने भी अपने विधायकों को डिनर के लिए बुलावा भेजा। सीएम योगी का फिरोजाबाद दौरा। सीएम फिरोजाबाद में करीब 1,63,00,000 रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया और विकास के कामों की प्रगति का भी जायजा लिया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। गैरसैंण के मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर बवाल हुआ। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने गैरसैंण में मिनी सचिवालय बनाने का आश्वासन दिया। नोएडा में छात्रा की खुदकुशी के मामले में एल्कॉन स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों पर केस दर्ज। एक कांस्टेबल को भी निलंबित किया गया। वहीं एल्कॉन के प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को नकारा, कहा पूरा मामला है दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश में 23 मार्च को यानी शुक्रवार को 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी के तहत आज प्रदेश में सभी दल डिनर डिप्लोमेसी के जरिए विधायकों को एकजुट करने और उनकी नब्ज टटोलने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज दोपहर में सभी विधायकों की बैठक बुलाई और उनके साथ राज्यसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर मंथन किया। हालांकि इस बैठक में शिवपाल यादव समेत 7 विधायक शामिल नहीं हुए थे। समाजवादी पार्टी आज एक 5-स्टार होटल में विधायकों को डिनर करवा रही है। इस डिनर पार्टी में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी ने भी सीएम आवास पर सभी विधायकों को डिनर देने की तैयारी की है। सीएम आवास पर होने वाली इस डिनर पार्टी के बाद विधायकों को राज्यसभा में होने वाले मतदान की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग इसलिए कराई जा रही है कि किसी भी विधायक का वोट रिजेक्ट नहीं हो। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपने आवास पर विधायकों के लिए डिनर रखा है, जिसमें वो अपनी राज्यसभा सीट पर वोटिंग के लिए मंथन करेंगी। इस सब के अलावा कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के लिए डिनर का कार्यक्रम रखा है, लेकिन कांग्रेस ने डिनर की जगह का खुलासा नहीं किया है। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हैं, क्योंकि शुक्रवार को वोटिंग है, जिसके लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम आपको उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव का गणित जल्दी से समझा दें, इसके बाद हम चर्चा में चलें। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है शुक्रवार 23 मार्च को। एक सीट के लिए तकरीबन 37 विधायकों की जरूरत है, उनके वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास कुल 324 सीटें हैं, जिसमें 8 प्रत्याशियों का राज्यसभा जाना तय है। इसके अलावा 28 विधायक बीजेपी के पास बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कुल 8 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। बीजेपी को 9वें प्रत्याशी के लिए 9 सीटों की जरूरत है, 9 विधायकों के वोटों की जरूरत है, जिसके लिए बीजेपी जोड़ तोड़ कर रही है। विपक्ष ऐसी आशंका जता रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के पास कुल 47 सीटें हैं, जिसमें 1 प्रत्याशी का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। बाकी 10 विधायकों को मायावती के समर्थन में वोट करने की बात कही जा रही है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस के पास 19 और 7 विधायक हैं। ऐसे में अगर जोड़ तोड़ की राजनीति हुई तो बीएसपी उम्मीदवार का राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी अपने 9वें प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने के लिए जी जान लगाएगी। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, उनका मानना है कि शिवपाल यादव, उनके समर्थक 7 विधायक, नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल और राजा भैया इस चुनाव में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। प्राइम एजेंडा में आज हम यही जानने समझने की कोशिश करेंगे
कि राज्यसभा के लिए जो वोटिंग 23 तारीख को होगी वो सामान्य वोटिंग होगी या फिर इससे आगे की सियासत का कोई अंदाजा उत्तर प्रदेश में लगेगा। आखिर जो सभी राजनीतिक दल डिनर का कार्यक्रम कर रहे हैं और डिनर के जरिए जो सियासी डिप्लोमेसी है इसको अपने विधायकों की नब्ज जो टटोलने का काम कर रहे हैं इसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से हम परिचय कराएं। लखनऊ से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आज हमारे साथ इस डिबेट में हैं कृष्णकांत पांडे जी, के पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। पांडे जी स्वागत है। हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के सचिव हैं। अजय जी स्वागत। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम के पांडे जी और अजय जी के पास जाएं, इससे पहले हम राजीव जी की एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। राजीव जी, जो विश्लेषण हम कर रहे हैं या हमने शुरुआत में जो बात रखी, बात सिर्फ उतनी है या इससे कहीं और भी आगे की बात है, यानी निशाने सिर्फ इतने ही हैं या फिर राजनीतिक दल जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिनर के जरिए सियासी कवायद करने में जुटे हैं उसमें कुछ दूर की कौड़ी भी तलाशने की कोशिश हो रही है? राजीव जी, देखिए, अगर डिनर डिप्लोमेसी की बात करें तो डिनर केवल एक इसलिए किया जा रहा है कि गेट टुगेदर होगा उनका और मंथन होगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो विधायक हैं, जितने भी पार्टियों के विधायक हैं, पार्टी के मुखिया, इस बात का भी मंथन करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं उनके विधायकों का मन तो नहीं बदल रहा है। सबसे बड़ी चीज है, जो भाजपा ने अपना नौवां कैंडिडेट उतारा है, ये सबके लिए खतरे की घंटी है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये है कि आगे की जो रणनीति होगी या आगे जो भी चुनाव 2019 में होना है वो सपा और बसपा, इन दोनों का रिलेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि बसपा ने जो अभी समर्थन दिया था, 2 सीटें निकल कर आई थी प्रदेश से लोकसभा में, अब सपा को उसका रिटर्न देना है। अब ये देखना होगा कि सपा बसपा के लिए क्या कर पाती है और सपा के लिए, एक तरीके से अगर हम माने तो सपा के लिए इसमें परीक्षा की घड़ी है जी। तो श्रीवास्तव जी, कुल मिलाकर ये माना जाए कि बीजेपी के नौवें कैंडिडेट ने राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक दलों को इस डिनर डिप्लोमेसी के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो तमाम आशंकाएं हैं ये बलवती हुई हैं बीजेपी के नवे कैंडिडेट से। अगर बीजेपी नवा कैंडिडेट नहीं देती तो सब कुछ बहुत रूटीन सा होता जो कम से कम अब नहीं दिख रहा है। जी, जाहिर सी बात है कि नौवें कैंडिडेट ने ही सारा ये जो राजनीतिक मंथन जो कुछ भी हो रहा है इसमें सबसे बड़ा पॉइंट अगर निकल कर आ रहा है तो नौवां कैंडिडेट जो उतारा गया है इसमें ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से नौवें कैंडिडेट के लिए भाजपा को समर्थन ना मिल पाए। और कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसको समर्थन दे के नौवें कैंडिडेट को, भाजपा को मजबूत करें? इसमें इसी तरीके से डिनर डिप्लोमेसी की जा रही है कि अपने लोगों को किसी भी तरीके से समझाया जाए, उनको टूटने से रोका जाए। और भाजपा जो किसी भी जो संकेत एक दे रही है, देखिए राजनीति में सबसे बड़ा ये होता है कि राजनीति जो हो रही वो जो सामने दिख रही है वो बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है, कूटनीति का इस्तेमाल होता है। और ये चुनाव जो है इसमें कूटनीतिक जीत जिसकी होगी 2019 का चुनाव ये तय करेगा। ठीक है सर, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, के पांडे जी और अजय जी के पास जाए। इससे पहले श्रीवास्तव जी एक बात और बताइए, वो ये कि हमने पिछले चुनाव में देखा था पिछली दफ़े कि राज्यसभा की वोटिंग में बहुत सारे वोट जो पार्टी की लाइन थी उससे अलग गए थे। इस बार भी क्या इस बात की आशंका है? क्योंकि देखिए विश्लेषण तो लगातार हो रहा है, समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ असंतुष्ट विधायक हैं, है ना, बीएसपी के भीतर कुछ हैं जहां से खेल हो सकता है। तो क्या ये आशंका है कि साहब कोई खेल हो जाए और किसी भी तरीके से, हालांकि हालिया दिनों के तजुर्बे हम सबको हैं देखा है, बीजेपी नवे कैंडिडेट को भी जिताने में कामयाब हो जाए?
देखिए पूरी आशंका है, और अगर हम देखें तो सपा की जो बैठक हुई दोपहर में उसमें दो विधायक नहीं आए, शिवपाल यादव जी भी नहीं आए थे, और ये माना जा रहा है जिस तरीके से राजनीतिक गणित अभी जो चल रहा है उसमें जो ये माना जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं। अगर उनकी नाराजगी भाजपा के किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली अगर फेवर में जाती है तो भाजपा को ये मजबूत करेगी। और दूसरी बात यह है कि जितनी ही भाजपा का ये जो नोवा कैंडिडेट है ये मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, तो सपा और बसपा के रिलेशन में ये चीजें दूरी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि सपा के सामने बहुत बड़ी एक चुनौती है उनको, बसपा का एक कैंडिडेट जिसके पास में संख्या बल कम है उसको किस तरीके से वो पूरा करके दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये उनके लिए कसौटी होगा। इसको भी देखना होगा कि उनके अपने खेमों को बचाए रखना है, बसपा के कैंडिडेट को भी जिता के देना है, और जो सपा के अपने जो विधायक है वो कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर पाए सबसे बड़ा खतरा उनके लिए है। यानी क्रॉस वोटिंग ना हो पाए सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी के लिए है, चुनौती भी सबसे ज्यादा उनके लिए। हम अजय जी को जोड़ना चाहते हैं, के पांडे जी को जोड़ना चाहते हैं। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि अशोक पांडे जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं एक बार फिर से, चूंकि पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे दर्शक थोड़ा आसानी से समझ लें, देखिए लोकसभा या विधानसभा का तो बहुत डायरेक्ट चुनाव हमारे देश या प्रदेश में होता है, लेकिन राज्यसभा की स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती है ना, उसमें हर एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से 10 सीटें हैं जिनके लिए शुक्रवार यानी 23 तारीख को वोटिंग होनी है। आंकड़ा कुछ इस तरीके से है कि 37 विधायकों का वोट चाहिए एक कैंडिडेट को भेजने के लिए, और बीजेपी के पास कुल 324 सीटें हैं। अगर ये गणित हम देखें तो जो 8 उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो आराम से राज्यसभा जा सकते हैं। अब पेच फंसेगा दो पर पेच फंसेगा। दो कौन? बीएसपी ने एक कैंडिडेट को अंबेडकर साहब को मैदान में उतारा है, इधर समाजवादी पार्टी से जया बच्चन साहब मैदान में हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह बन रही है कि बीजेपी का जो नोवा कैंडिडेट मैदान में आया है उसने बाकियों के लिए समीकरण थोड़ा सा बिगाड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के पास, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिबेट पर चलें उससे पहले बता दें कि 47 सीटें हैं, यानी जया बच्चन जी कंफर्टेबल तरीके से राज्यसभा जाएंगी। अब जो बाकी विधायक बचेंगे वो बीएसपी के पक्ष में वोट करें, बीएसपी के अलावा वो वोट कहीं और न करें, यह सुनिश्चित करना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी रणनीति का काम होगा, जिसके लिए अभी डिनर हो रहा है। बीएसपी और कांग्रेस के 1907 विधायक हैं, तो लिहाजा एक रिटर्न गिफ्ट जिसका जिक्र भी श्रीवास्तव जी कर रहे थे उसकी जिम्मेवारी भी समाजवादी पार्टी पर है। और कुछ लोग ऐसे, जैसे अभी जिक्र हो रहा था शिवपाल यादव नहीं आए, उनके साथ एक और विधायक हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। पता नहीं 23 तारीख को क्या होगा, मुकम्मल तस्वीर तभी सामने आएगी। नरेश अग्रवाल चूंकि समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके बेटे जो कि विधायक हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी में चले गए हैं। राजा भैया इस चुनाव में टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, ये नाम आ रहे हैं कयास के तौर पर, यही पुख्ता नाम नहीं, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब हम अजय त्रिपाठी जी को जोड़ना चाहते हैं, अशोक पांडे जी का वेलकम करते हुए। अशोक जी बहुत स्वागत है डिबेट में आने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अजय जी बताइए कि इन दोनों चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे, एक तो आपको अपने वोटों को कंसोलिडेट करना है ना, जैसे शिवपाल यादव जी नहीं आए, हालांकि गौरीगंज के जिन विधायक महोदय ने ये डिनर रखा है उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल जी को बुलाया गया है, देखना यह कि वो लोग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। रिटर्न गिफ्ट देना और पार्टी को वोटिंग में एकजुट रखना, ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। हो पाएगा, आसान लग रहा है, या फिर कोई खेल हो सकता है? अजय जी राजीव जी, समाजवादी पार्टी का जन्म ही चुनौतियों में हुआ है और सदैव समाजवादी पार्टी चुनौतियों को स्वीकार करती है। तमाम प्रकार की चुनौती जब से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है आए और हम उन चुनौतियों से पार हुए हैं। एक हम सवाल करके आपके सवाल का जवाब देंगे जी, कि भारतीय जनता पार्टी देश में अच्छी राजनीति करेगी या करती है के लिए अपना प्रचार प्रसार करती है। देश की जनता को पता है, राजनीतिक विश्लेषकों को पता है कि इसमें आम जनता वोट नहीं देती है, इसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि वोट देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि उसका नौवां कैंडिडेट नहीं जीत सकता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं है, तो किस तरीके की राजनीति करना चाहती है देश को
भारतीय जनता पार्टी आखिर किस तरफ ले जाना चाहती है, क्योंकि आप बहुत तमाम ज्वलंत और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ले जाते रहे। हमारा निवेदन है इसका भी विश्लेषण करें कि भारतीय जनता पार्टी क्या खरीद बेच को बढ़ावा देना चाहती है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नौवां कैंडिडेट जिताने के लिए पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं है, तो क्या वो फिर से गोवा और नागालैंड बनाना चाहती है कि सबसे ज्यादा सीट जीत कर आने वाले पार्टी को वहां के राज्यपाल सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं? उसी ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हमारे देश और प्रदेश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी किस तरफ ले जाना चाहती है, ये हमारा एक सवाल है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के सारे विधायक एकजुट है और हम रिश्ते निभाने के लिए मशहूर है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी रिश्ता निभाने के लिए जाने जाते हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी रिश्ता निभाने के लिए जाने जाते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ एक कदम चलता है, माननीय नेता जी उसके साथ 10 कदम चलते हैं। यही काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, इसलिए बीएसपी ने हमारा चुनाव में साथ दिया है लोकसभा में। हम हर हाल में पूरे ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट को राज्यसभा तक भिजवाने का काम करेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर वही मेरा सवाल है। ठीक है सर, वो सवाल ले। जनता पार्टी के पास पर्याप्त मात्रा में वोट नहीं है। अशोक जी, हमारे साथ हैं, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। अशोक जी हम आ रहे हैं, बस एक बार कृष्णकांत जी की हम एक टिप्पणी लेना चाहते हैं। के पांडे जी, जो मौजूदा परिदृश्य है उस पर कमेंट जरूर रखिएगा, लेकिन ये बताइए कि क्या कोई रणनीति अब तक तैयार हुई है कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की इस वोटिंग में, इन 10 सीटों के लिए चुनाव में किस तरफ जाएगी, जाएगी भी या नहीं जाएगी, तटस्थ रहेगी, क्या करेगी? कोई रणनीति बनी है सर या नहीं बनी है अभी तक? नहीं, आपको तो जानकारी अवश्य होनी चाहिए, 10 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की हमारी बैठक हुई थी और उस बैठक में, 10 तारीख की बैठक में ही हमारे विधानमंडल दल ने यह तय करके घोषणा किया 11 को बाई इलेक्शन की वोटिंग हो रही होनी थी और 10 तारीख को ही कांग्रेस विधानमंडल दल की घोषणा हुई कि हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को हमारे विधायक राज्यसभा में वोट करेंगे। यह घोषणा हमारी 10 तारीख को हो चुकी, बहुत क्लियर कंसेप्ट है जी, समर्थन देंगे, मतलब बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। सवाल देखिए यह है, सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक एकजुट रहेंगे कि नहीं, हमारे विधायक एकजुट रहेंगे कि नहीं। यह सवाल चूंकि विधायकों का है तो यह सवाल बीजेपी पर भी होना चाहिए कि उनके भी विधायक एकजुट रहेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से सरकार बनने के 1-2 महीने बाद ही ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से हंगामा काट रहे हैं, शायद हम विपक्ष के लोग उतने कठिन आरोप नहीं लगा पाए जितने कठिन आरोप ओम प्रकाश राजभर जी लगाते रहे, 10 गुने तक का आंकड़ा भी बताए और भ्रष्टाचार कहां कहां सारी चीजें बताए। लेकिन कल अमित शाह जी से मुलाकात के बाद जैसा किसी चैनल पे हम लोग बैठे थे देखने को मिला कि वो कुछ नरम पड़े, लेकिन हमको उनके नरम और गरम से केवल इतना बताना है कि कहीं कहीं उनमें भी मतभेद मनभेद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अनुप्रिया पटेल जी की भी स्थिति कुछ इसी तरह कमोबेश सुनने को मिली, फिर भी हम कह रहे हैं वो सारे उनके जितने भी घटक दल हैं उनके साथ रहे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नितिन अग्रवाल पे सवाल, समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल पे अगर सवाल उठ रहा है जो नरेश अग्रवाल जी के बेटे हैं कि वह भाजपा में जा सकते हैं, एक वोट बढ़ा सकते हैं, तो एक सवाल रमाकांत यादव पूर्व सांसद आजमगढ़ 4 बार के एमपी हैं और 1 बार उन्होंने वो बीजेपी से एमपी रहे हैं, उनका लड़का अरुण यादव फूलपुर विधानसभा से वो एमएलए है इस समय, जो लगातार जोगी जी पर और बीजेपी पर अटैक पे अटैक डेली हो रहा है, तो आखिर जब नितिन अग्रवाल पे अगर प्रश्न चिन्ह है तो मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि क्या वह अरुण यादव का वोट किसको जाएगा? अगर नितिन अग्रवाल भाजपा के पक्ष में जा सकते हैं, एक सपा का वोट जा सकता है, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अरुण यादव का वोट इस गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। दूसरी चीज, हमारे 37-19 जैसा आंकड़ों के लिहाज से हमारे 37 एमएलए एक साथ खड़े हैं, 10 सपा के, 19 बीएसपी के, 1 आरएलडी के, 7 कांग्रेस के, यह जोड़ के 37 होते हैं। अगर नितिन अग्रवाल को क्रॉस माना जाए तो अरुण यादव को भी क्रॉस माना जाएगा।
अगर चार जो निर्दल विधायक जिसको कहा जाता है उसमें विजय मिश्रा जी ने अपना समर्थन दे दिया, अमन मणि जी भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के ही समर्थन में रहते हैं, रहना भी चाहिए, सत्ता पक्ष का समर्थन इन लोगों के लिए आवश्यक भी है, तो अब उनके 28 वोट एक्सेस हो रहे हैं, अगर ये दो वोट देखा जाए तो उनके 30 वोट हो रहे हैं, उन्हें 7 वोट की जरूरत इस तरह से पड़ रही है, हमें एक भी वोट की जरूरत नहीं पड़ रही है। आखिर वह कौन सी परिस्थिति ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने से अन्य दलों से अलग बताती है वह 9वां उम्मीदवार क्यों लेके आई, आखिर क्या कारण था? अगर हमारे पास एक भी एमएलए कम है तो ये जनता का वोट तो है नहीं, अगर एक भी एमएलए कम है तो एक एमएलए कहीं कहीं से लेने का मतलब है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात का दृश्य अभी बहुत दिन नहीं बीता है, आप लोगों ने देखा है, आप ही लोगों के चैनल ने इतना ज्यादा चलाया, परिणाम उनके खिलाफ गया, अंत में न्याय की जीत हुई। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद और राज्यसभा में कई बार एक्स्ट्रा उम्मीदवार देने के परिणाम स्वरूप चाहे दयाशंकर सिंह जी रहे हो और लोग रहे हो, बीजेपी हारी है। पिछले चुनाव में आप एक सवाल हमसे कर सकते हैं कि पिछले चुनाव में राज्यसभा और विधान परिषद में 2016 में क्रास हुआ है और उसमें हमारे भी विधायक क्रास किए थे, सपा के भी विधायक क्रास किए थे, बीजेपी के पक्ष में गए थे, ये भी एक सवाल उठता है। स्थिति यह थी कि विधानसभा का चुनाव आसन्न था, हमारे जितने भी विधायक क्रास किए थे और बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी से ही चुनाव भी लड़े, कुछ जीत के भी आए कुछ हार के भी आए, चाहे वह संजय जायसवाल जी का नाम रहा हो चाहे रीता जोशी जी का नाम रहा हो, जो भी रहे हम नाम नहीं जाना चाहते, समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो वह चुनाव सामने दिख रहा था, उस चुनाव को देखते हुए उनको चूंकि बीजेपी में जाना था, इतनी स्थितियां नहीं थी कि हम कोर्ट जा सकते थे। ठीक, आज स्थिति इस गठबंधन दो लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्व रखता है राजीव जी, दो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की जीत इन दलों को क्रॉस वोटिंग नहीं करने देगी। सारे विधायकों को पता है कि आने वाले दिन में यह गठबंधन मजबूती से उभरेगा तो निश्चित है कि 37 में 36 नहीं होंगे, और मेरा दावा यह है कि उनके जो 324-25 का आंकड़ा है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष हमारा जो उम्मीदवार है और उनमें से दो एक और पाएगा पाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है 23 तारीख को। से इतना लंबा जो विश्लेषण आपने रखा के जी, चीजें इस विश्लेषण के आसपास ही टिकती हैं और ये विश्वास जीतता है कि साहब इस बार क्रॉस वोटिंग नहीं होगी या फिर 2016 रिपीट होता है हम देखेंगे। लेकिन आपने और अजय जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया और वो इस बात को लेकर किया कि साहब जब आपको पता है कि आपके इतने ही नंबर्स हैं, आप आराम से इतने ही विधायकों का वोट लेकर इतने लोगों को राज्यसभा भेज सकते हैं, फिर 9वें कैंडिडेट को खड़े करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आप राजनीतिक शुचिता की बात एक तरफ करते हैं लेकिन दूसरी तरफ साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते? अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। एक तो ये कि जो सवाल नितिन अग्रवाल पर है, क्या वो सवाल अरुण यादव को लेकर नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? और नंबर दो कि बहुत स्पष्ट नंबर होने के बाद भी नवा कैंडिडेट क्यों? नंदन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जुड़े हुए दर्शकों का अभिवादन करना चाहूंगा और भारतीय नववर्ष के लिए उनको शुभकामना देना चाहूंगा कि भारतीय नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं हो। इसके पहले कि जो आपका प्रश्न है, मैं उसका उत्तर इस तरह से दे रहा हूं कि शहरे वफा में धूप का साथी नहीं कोई, शहरे वफा में धूप का साथी नहीं कोई, सूरज सिर पे आए तो साए भी घट गए। आज की स्थिति यह है कि आज समाजवादी पार्टी की बैठक थी, समाजवादी पार्टी की बैठक में 7 एमएलए नहीं पहुंचे, 7, और आदरणीय शिवपाल जी भी नहीं गए। ये चुनाव की स्थिति ये बनती है कि अगर आपका दूसरा प्रश्न जहां तक है कि हमारे यहां आज डिनर था, हमारे यहां भी डिनर था और हमारे डिनर में भी हमारे सारे लोग पहुंचे हैं, आज बैठक हुई है पहले 4 बजे, सारे विधायकों को बुलाया गया था। हम इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, 324 विधायक हमारे पास है, 324 विधायक से 8 प्रत्याशी तो हमारे ऐसे निकल जाते हैं, 37 के आंकड़े में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भाग देंगे तो आपको स्थिति आ जाएगी। 28 विधायक हमारे पास शेष है, उस 28 विधायक में भी विजय मिश्रा जी पहले ही समर्थन दे चुके हैं कि हम आपके साथ हैं, और उसमें भी जो निर्दलीय विधायक है अमन मणि जी वो हमारे साथ बराबर मिल रह रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे साथ में ही रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास पूरा नंबर गेम कंप्लीट है कि हम नवा प्रत्याशी आराम से निकाल सके। आपको बता दूं मैं आपके चरण के माध्यम से, सवाल है बीच में, अरे 7 आदमी आपके बता रहे हैं,
वो सवाल अशोक जी बोल रहे, वो सवाल जहन में जरूर पूछेंगे, एक बार कह तो लेने दीजिए क्या कहना चाह रहे पता लगे। अजय जी हमारे अजय जी को बताना चाहूंगा कि अभी अजय जी का ये सवाल स्वयं आया कि इनके पास लोग नहीं पहुंचे। जहां तक कांग्रेस साथी की बात है, ऐसे मझधार में जब इनके सातों विधायक कहीं और जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विषय पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, वह यह नहीं सोच रहे हैं कि जो उनके सात विधायक हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हॉर्स ट्रेडिंग खुद ही कर रहे हैं। इनकी इच्छा थी कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करें और वो बैठक भी यहां हुई। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैठक एक चैनल पे बाकायदा चली भी और उसके बाद राजबब्बर ने इस्तीफा दिया। इतनी बड़ी बात को छिपा करके आप ये देख रहे हैं कि आपके विधायक बहुजन समाज पार्टी से हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से टूटे हैं, जहां ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। राजबब्बर ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी क्या वजह बताया? राजबब्बर ने इस्तीफा क्यों दिया, आपने जिक्र किया, वो सारे विधायक जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ भाग गए इस वजह से। इस्तीफा दिया कि राजबब्बर जी ने आज ऐसे वक्त पे इस्तीफा दिया जब ये आला कमान राजबब्बर के इस्तीफे की कोई बात नहीं कह रहा है, हम इसलिए सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राजबब्बर ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह आपको या बीजेपी को क्या पता? कह रहा है कि तुम तब तक बनाए रखो जब बोली हमें यही पता है कि उनके विधायक उनके कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैंने बताया ना कि उनके विधायक ही उनके कंट्रोल में नहीं, बहुजन समाज पार्टी के फेवर में जाके खड़े हो रहे हैं, इस वजह से रिजाइन कर दिया। अभी तो विपक्ष का नेता भी तय नहीं है। ना ना देखिए अशोक जी, समझिए तो कि जब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने लोगों को। नहीं नहीं देखिए, हमने एक सवाल किया के पांडे जी से, हमने के पांडे जी से ये पूछा कि आपकी रणनीति क्या है। के पांडे जी ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि 10 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें एक डिसीजन हुआ था, लेकिन राजनीतिक दलों के डिसीजन बदलते रहते हैं, बदले हैं, इसलिए हमने ये सवाल किया। अब सवाल ये है कि जो विधानमंडल दल का डिसीजन हो चुका है उसके अगेंस्ट में आप कह रहे हैं कि राज बब्बर ने रिजाइन कर दिया है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने ये कहा कि विधानमंडल दल की बैठक में ये चीज तय हुई। ये आपकी जानकारी में इन्होंने बताया है। मैंने जो आपको जानकारी दी उस जानकारी को आप देखिए। नहीं नहीं, उस बैठक का अपडेट आया था, आज उस बैठक का अपडेट आया था बाय इलेक्शन के नतीजों के बाद, जो हमने चर्चाएं की थी उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि ये यूं ही नहीं हुआ है, हमने रणनीतिक तौर पर ऐसा किया था, हमने रणनीतिक तौर पर कैंडिडेट्स भी उतारे और हमने रणनीतिक तौर पर यह तय किया कि हम राज्यसभा के चुनावों में इनको सपोर्ट करें। कोई रणनीति इस तरह की आप हमेशा एक बात समाचार पत्रों ने सवाल उठाए, हमें देखिए दूसरे के घरों की ज्यादा बात करने से बात भटक जाती है। हमें यह बताइए कि जब आपको पता था कि आपके पास नंबर नहीं है तो आप नवा कैंडिडेट कैसे लाए और इन सात नंबरों का जुगाड़ आप कैसे करेंगे? कैसे नंबर कोई एश्योरेंस आपको मिला है और इस एश्योरेंस के बदले डील क्या तो हमारे पास है ना, कहाँ है भाई 28 बचे, आपने दो और गिना दिए। मैंने कहा 28 विधायक तो हमारे पास शेष बचे थे, कौन नाम आपने गिनाया, 30 हो गए, 28 विधायक की जरूरत तो अभी भी है। मैंने कहा 28 विधायक आपको बता दूं, आपकी 28 विधायक हमारे शेष थे, हो गया। अगर 28 विधायक हमारे शेष हैं और उसके बाद हमारे पास निर्दल विधायक पहले ही कह चुके हैं विजय मिश्रा के भाजपा के साथ हैं, 29 हो गए, वो पहले ही कह चुके हैं भाजपा के साथ हैं, 30 हो गए, सात विधायक समाजवादी पार्टी के बैठक में ही नहीं जा रहे हैं। तो वो बैठक में नहीं जा रहे हैं उसको आप ये मान रहे विधायक के साथ बता रहा हूं ना, वो तो आपको वोटिंग के दिन पता चलेगा। ठीक, हम बहुत सरल देखिए दर्शकों के लिए चीजें बहुत सरल, हमारे पास तो संपर्क 22 से 24 लोग हैं, इनकी बैठक में नहीं जा रहे, मतलब समाजवादी पार्टी के 22 से ज्यादा लोग हैं जो संपर्क में हैं। अच्छा ठीक, हमें ये बताइए ना कि वो इनकी 22 लोग हमारे संपर्क में हैं, 22 विधायक संपर्क में हैं। अच्छा अब ये बताइए कि कोई डील हुई है क्या, और डील हुई है तो क्या फॉर्मूला है, जल्दी से ये बता दें। तो आपकी मैंने तो जवाब कोई डील नहीं बता, क्यों डील होगी जब वो संपर्क स्वयं कर रहे हो, डील क्यों होगी? अच्छा। जब आप एकजुटता की बात कर रहे हो तो मैं तो विपक्ष की एकजुटता की बात बता रहा हूं कि विपक्ष की एकजुटता क्या है। अभी उनका नेता तय नहीं है कि कौन उनका नेता होगा, विपक्ष का एकजुट का नेता कौन होगा, वो समाजवादी पार्टी का होगा कि बहुजन समाज पार्टी का होगा। अच्छा ठीक, अब मायावती होंगी कि अखिलेश यादव होंगी, जब उनके पास यही अभी डिसाइड नहीं, तो कैसे वो विपक्ष की एकजुटता की बात करेंगे? दूसरा, दूसरे के बच्चे को गोद में लेके कांग्रेस कह रही कि मेरा बच्चा है। अच्छा, वो बहुजन समाज पार्टी के वोट ट्रांसफर से जीता है जी, वो सारी चीजें छोड़े, हमें बताइए कि अरुण यादव का नाम अभी यहाँ के पांडे जी ने लिया, अरुण यादव को लेकर श्योर है?
अरुण यादव हमारे आज बैठक में भी शामिल थे, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, हमारे 324 पूरे के पूरे विधायक हमारे साथ हैं। अरुण यादव का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, अरुण यादव आज से नहीं, उनके पिताजी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंग है, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंग है। यह एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सरल और साफ करें बाकी लोगों को भी, एक दूसरे से विचार विमर्श होता रहता है, इसमें अंदर हमारे नरेशन के मुताबिक लोग अपनी बात रखते हैं। साथ की जरूरत है, साथ सपा की बैठक में पहुंचे नहीं, आपका काम बन गया है ना, ये बड़ा सिंपल नरेशन आपने किया। अजय जी उत्तर दीजिए, फिर हम के पांडे जी को जोड़े, क्योंकि राज बब्बर के इस्तीफे का जो कारण समा कांग्रेस पार्टी नहीं बता पाई वो यहां अशोक जी ने बता दिया, हम उस पर कुछ सवाल करना चाहते हैं। लेकिन अजय जी, साथ आपके विधायक आपकी बैठक में पहुंचे नहीं, वो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, लिहाजा इनका नौवा कैंडिडेट भी जीत रहा है साफ तौर पर, अशोक जी का नरेशन है। राजू जी, अशोक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और इलाहाबाद का चुनाव हारने के बाद मानसिक रूप से बहुत है परेशान, और जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो वो किसी भी प्रकार का बयान दे सकता है, अपने परिवार का भी दूसरे परिवार का। भारतीय जनता पार्टी के 10-15% विधायक जिलों जिलों में धरना दे रहे अपने सरकार के खिलाफ, उसकी चिंता कर नहीं पा रहे पांडे जी, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चिंता कर रहे हैं। हम बता रहे हैं इनके पास कौन लोग हैं, 30 तो ये बता गए, उसके पास इनके, इसके बाद इनके पास है अडानी, उसके बाद इनके पास है अंबानी, इनके पास है विजय माल्या, इनके पास है नीरव मोदी। ऐसे लोग हैं जो देश का अरबों रुपया गरीब का, किसान का, नौजवान का खा चुके हैं, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को डोनेट करेंगे, और एक बहुत गंदी राजनीति के तरफ भारतीय जनता पार्टी इस देश को और प्रदेश को ले जाना चाहती है। बस इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं कहना। रही बात समाजवादी पार्टी की, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राजू जी पूरे विधायक एकजुट है, और फिर बात है मैं रिश्ते निभाने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। हमारे सारे विधायक पहले अपने कैंडिडेट के लिए वोटिंग करेंगे, उसके बाद हमारे जो सहयोगी है जिसने हमारी मदद की है, हम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वसूलों की बात करते हैं अशोक पांडे जी, और कहते भारतीय जनता पार्टी जो गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती है इलाहाबाद में वहां नहा करके आती है, ऐसी पार्टी जब खरीद बेच की बात करती है तो कहीं ना कहीं से ये जो सपना है अच्छी राजनीति का वो अधूरा नजर आता है, ये जरूर कहना चाहते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी इनके अंदर इंसानियत है, थोड़ी बहुत भी इनके अंदर मानवता है, जो बात कह के ये जनता के बीच में वोट लेकर के आए थे हम अच्छी राजनीति देंगे देश को और प्रदेश को, तो इनको नौवा कैंडिडेट किसी कीमत पर नहीं खड़ा करना चाहिए था, और खरीद बेच के तरफ इनको देश और प्रदेश को नहीं ले जाना चाहिए था, और अपने पार्टी की चिंता करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अशोक जी से सर आपकी बात का जवाब, अजय जी अशोक जी से स्वयं कर रहे हैं जवाब लेंगे अशोक जी से आपकी बात का, लेकिन के पांडे जी को जोड़ना जरूरी है, एक मिनट सर, के पांडे जी को जोड़ना जरूरी है, एक मिनट अशोक जी, एक बार में जवाब दीजिएगा उपचुनाव में, एक अशोक जी एक मिनट, एक बार में जवाब दीजिएगा, के पांडे जी को हम जोड़ लें, एक बार में रिस्पॉन्ड करिएगा, के पांडे जी बताइए कि राजबब्बर साहब ने रिजाइन किया है या नहीं किया है, नंबर वन, और अगर किया है तो क्या वजह वही है जो अशोक पांडे जी बता रहे हैं। राजीव जी, भाजपा के हमारे मित्र अशोक पांडे जी कई बार हम लोग साथ बैठे हैं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन हो सकता है आज कौन सी परिस्थितियां हों जिसमें यह बात कहने में उलझ गए, और थोड़ी सी हल्की बात इनकी जबान से मुंह से निकल गया, जिसकी हमको अपेक्षा नहीं थी, इस पैनल को भी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि अच्छे बहुत सीजंड व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि हमारे विधायक बसपा से हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनका पहला जवाब था। इनको पता है कि समाजवादी पार्टी के पास पर्याप्त, जया बच्चन जी को जिताने के लिए उनके पास पर्याप्त एमएलएज हैं, उनके जो एक्स्ट्रा एमएलएज है वो बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सवाल बीच में आपने कहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने जो सवाल मुझसे पूछा था कि नहीं आपके विधायकों की क्या रणनीति है, तो सही है कि रणनीति हर पार्टियों की वक्त दर वक्त बदलती रहती है, लेकिन हमारी पार्टी ने 10 तारीख को एक मीटिंग के बाद फैसला लिया कि हम भी अपना जो वोट है बीएसपी के उम्मीदवार को देंगे, और उसी रणनीति पर आज अभी इसी वक्त तक हम कायम हैं। ऐसी स्थिति में
ये कहना कि नहीं हमारे विधायक बीएसपी से हार स्टेडिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं इतनी हल्की बात की अपेक्षा मैं पांडे जी से नहीं करता था। दूसरी चीज, राज आपने एक और बात कही जो जानकारी शायद हम लोगों को नहीं थी, मीडिया को नहीं थी, लेकिन ये जानकारी हमारे मित्र को है कि राज बब्बर जी इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि हमारे विधायक क्यों बसपा के यहां जा रहे हैं। बसपा के यहां मैं क्लियर कर दूं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश के विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू का निर्णय कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस समर्थन देगी राज्यसभा के चुनाव में, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, राज बब्बर जी के त्यागपत्र का जिक्र आज तमाम समाचार पत्रों में भी देखने को मिला है, कल मीडिया में भी कुछ चला है, और हमारे साथी हमको लगता है कुछ कांग्रेस के संपर्क में है, इनको जानकारी अच्छी है, आना भी चाहिए, हम लोग तो स्वागत ही कर रहे हैं। तो लेकिन भाई आपके चैनल पे, बड़े चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, राज बब्बर जी का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है। जहां भी जिन परिस्थितियों में मीडिया या न्यूज़पेपरों में आया है वो सरासर गलत है, या किसी उम्मीद या संभावना के आधार पे मीडिया ने सूत्रों के आधार पे चला दिया हो, लेकिन कहीं उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। और अभी कुछ देर पहले आपके भी प्रतिनिधि थे श्री प्रमोद तिवारी जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं हमारे, और उन्होंने एक प्रेस मीट की थी अपने यहां, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट बताया है कि राज बब्बर जी के त्यागपत्र का जिक्र ही कहीं नहीं है, खंडन किया, उनके त्यागपत्र स्वीकार होने या काम करने या न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, खंडन किया। और आज 6 बजे राज बब्बर जी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लखनऊ में मौजूद हैं, मैं वहीं से आया हूं आपके चैनल पे, और वहां मीडिया के तमाम साथी हैं, जिससे खुल के उन्होंने आज बात भी किया, बात कर रहे थे, उस दौरान आपकी डिबेट में मुझे आना था। ऐसी स्थिति में मैंने दोनों चीजें स्पष्ट कर दिया। अब बात आती है अरुण यादव की, जो इनकी बैठक में थे, मेरी जानकारी के मुताबिक, चूंकि इनकी बैठक के मैं संपर्क में नहीं था ना इनकी बैठक में था, मेरी जानकारी के मुताबिक अरुण यादव जी इनकी बैठक में नहीं मौजूद थे। दूसरी चीज, ये जिस तरह से 7 विधायकों की बात बार बार कर रहे, शिवपाल यादव की बात कर रहे, शिवपाल यादव बड़े ही गंभीर, बड़े ही वरिष्ठ नेता है इस प्रदेश के, समाजवादी पार्टी के तो है ही है, लेकिन इस प्रदेश के भी जाने माने और वरिष्ठ नेताओं में उनका एक नाम आता है। और मैं समझता हूं शिवपाल जी चाहे उनके समर्थक बैठक में आए न आए, शिवपाल जी बैठक में नहीं आने पर शिवपाल यादव जैसी पर्सनालिटी पर यह आरोप लगाना कि नहीं वह क्रॉस कर रहे हैं, मैं समझता हूं लोकतंत्र का, राजनीति का, शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं का यह अपमान किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं प्रतापगढ़ के आर के वर्मा जी के बारे में, वो सम्मानित विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बार बार मोती सिंह जो मंत्री हैं प्रतापगढ़ से उनके ऊपर वो आरोप लगाते रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी बलिया से भाजपा के विधायक है, जो हमेशा धरना प्रदर्शन अनशन इस सरकार के खिलाफ करते रहे हैं, क्या वह लोग इनको वोट कर रहे हैं? और मैं उम्मीद करूंगा कि वोट की निश्चित रूप से 9वां उम्मीदवार 28 विधायक पे उतारने के बाद निश्चित रूप से यह गुजरात जैसी घटना की पुनरावृत्ति करने का यह खूब प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, जो स्वस्थ लोकतंत्र कहीं कहीं कलंक लगाता है। अशोक जी की जवाब देने की बारी है, फिर हम राजीव श्रीवास्तव जी को जोड़ना चाहते हैं कुछ चीजों को और सरल करने के लिए। अगर अशोक जी की बात हम मान लें तो मामला 7 विधायकों पर आकर टिकरा है, और बकौल अशोक पांडे जी स्थिति पूरी तरह से साफ है। क्यों साफ है? क्योंकि जिस वक्त हम विश्लेषण कर रहे हैं, अशोक जी के मुताबिक शिवपाल यादव और 7 विधायक समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे। वो इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो बीजेपी के 9वें कैंडिडेट को वोट करेंगे और 7 ही वोटों की इन्हें जरूरत है। हम दर्शकों के लिए बड़ा सरल करते चल रहे हैं। अशोक पांडे जी, पहले तो आप जवाब दीजिए अजय जी की बात का, के पांडे जी की बात का, राज बब्बर की बात उन्होंने खारिज कर दी, वो कह रहे हैं कि वो अभी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं, प्रदेश मुख्यालय में सीधे वो वहीं से आ रहे हैं। हम और आपको आगे की बात बता दें, गुलाम नबी आजाद साहब खंडन कर चुके हैं, प्रमोद तिवारी साहब ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी बात का खंडन किया ही। बात वहीं आकर टिक रही है। हम राजीव जी का विश्लेषण लें, इससे पहले की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? नहीं नहीं, हमें ये बताइए ना कि साथ पड़ी खंडन करने की। सर देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप ही कह रहे हैं गुलाम नबी जी बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ वो लोग, हम सरल, हम कह रहे हैं कि चीजों को सरल करके रखिए। तो इस खंडन करने की इनकी पार्टी में कोई इस्तीफा हो ना हो उससे आप छोड़िए, ये बताइए सर, हमको ये बताइए, ये बताइए ना कि 7 विधायकों का इंतजाम आपने क्या उसी तरीके से किया है जैसे 2016 में किया था, या कोई और तरीका अपनाया है? नंबर वन। नंबर टू, जिस तरफ के पांडे जी इशारा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 23 तारीख को गुगली आप लोगों के साथ हो जाए?
क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से विधायकों की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जैसे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को मनाया जरूर है आप लोगों ने, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के तेवर बड़े अप्रत्याशित हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुगली आपकी तरफ हो जाए? इस बात का पूरा इंतजाम कर लिया या नहीं कर लिया, ये समझाइए सर। रघुनंदन जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस लोकतंत्र की सीख हमको दी जा रही है, यही एक लोकसभा के चुनाव में अपनी पत्नी डिंपल को सांसद बनाने के लिए हमारे प्रत्याशी को 36 घंटे तक कैद कर दिया गया, और वहां पर चुनाव का समय, पर्चा दाखिले का समय निकल जाने के बाद हमारे प्रत्याशी को छोड़ा गया। वो लोग हमको लोकतंत्र नहीं सिखाएं। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ, लोकतंत्र के साथ हम लोग अभी चुनाव कराया और उसपे लोकतंत्र जिंदा रहा। ये लोग एक तरफ तो विपक्ष की साठ गांठ करते रहते हैं, दूसरी तरफ यही लोग हमारे ईवीएम पे सवाल उठाते रहते हैं। अगर आप ईवीएम पे सवाल उठाते हो तो फिर आप साठ गांठ क्यों करते हो, सारे विपक्षियों को एकजुट क्यों करते हो? तो एक तरफ एकजुटता भी दिखाओगे, एक तरफ ईवीएम पे सवाल उठाओगे, तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी पार्टी, हमारा दल विचारों का दल है, हमारा विचारों का दल है, और जरूर हम अभी हम अभी आपको रघुनंदन जी आपके चैनल के माध्यम से इतना विश्वास दिला देते हैं कि एक भी विधायक हमारा इधर से उधर जाने वाला नहीं है। हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, विचारधारा के लोग हैं, और हमारा लोकतंत्र सदैव जिंदा रहता है। और पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। हमारी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति जो कहेगा चलेगी, एक परिवार की पार्टी नहीं है कि एक परिवार जो कहेगा उसकी परिक्रमा करो काम चलेगा। हमारे यहाँ एक संघ की व्यवस्था है, एक जुटता है, और वहाँ लोग बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक भी विधायक कहीं और जा रहा है। सात वोट कैसे? भाई नरेश अग्रवाल जी का भी तो बेटा विधायक है। आप नरेश अग्रवाल जी उन्हीं के दल के थे, छोड़ के हमारे यहाँ आ गए, तो उसको क्यों नहीं रोक पाए? वो जो अपना कुनबा नहीं बचा पा रहा है, अपना घर नहीं बचा पा रहा है, तो नरेश अग्रवाल जी हमारे पास आए हैं, उसको आप बहुत लाइटली समझ रहे हैं कि वो बड़ा नेता था समाजवादी पार्टी का। ये सवाल ले लेते हैं कि जो अपना नरेश अग्रवाल का भी बेटा विधायक है, विधायक क्या बचाएगा? अजय जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर हम राजीव श्रीवास्तव जी को लाना चाहते हैं। अजय जी, क्या बचाएगा आपका? तो आपको तो ट्रेलर जो परिवार का नहीं हो रहा है, ना अपने पिता का हो रहा है, ना अपने भाई का, अपने चाचा का हो रहा है, जो अपने चाचा का है ना अपने पिता का है। कांग्रेस के अंदर की स्थिति अपने आप देखिए, रोज रक्तमारी हो रही है। जवाब ले आज राजीव जी, केरला के भी इस्तीफा दिया है, थोड़ा सा कर्नाटक में इस्तीफा हुआ है, थोड़ा सा मौका दे पाटे जी खाली। राजीव जी, अभी कौन जाएगा कौन रहेगा ये तो बात की बात है, चंद्रबाबू नाटू का कितना पुराना मैटर है, भी बहुत पुराना मैटर नहीं। पाणे जी को थोड़ा जानकारी करने की जरूरत है, अगर व्यक्तिगत कह दूंगा बुरा लग जाएगा, मेरे भी बड़े भाई हैं, लेकिन इतना हमारा जरूर इनको सुझाव है कि अगर बड़े स्तर पर राजनीति करनी तो थोड़ी सी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी पार्टी चंद्रबाबू नाटू की, जिसके मिनिस्टर थे सेंट्रल में, जो पूरे तरीके से चुनाव के पहले से गठबंधन था जिनका भारतीय जनता पार्टी के पास, वो छोड़ के जा चुके हैं, उसकी शुरुआत वहां पर हो चुकी है। आने वाले समय में, आजकल में तो राजभर जी को ये रोक ले गए हैं, कितने दिन रोक लेंगे ये मेरा सवाल है। ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि पूरे तरीके से इनके यहाँ तानाशाही है। आप इससे राजीव जी, चूंकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और मेरे नजरों में आपकी बड़ी कीमत है जिस तरीके से आप एंकरिंग करते हैं, और मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर और सत्ताधारी दल का प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद उसी सरकार के मिनिस्टर को अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। आप समझ लीजिए, यही हमारे कार्यकर्ता का सम्मान है, एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। हमने सवाल कल किया था, राजभर साहब हमारे साथ जुड़े थे। राजू जी हाँ ठीक, इतनी बात कहना चाहता हूँ, अजय जी खत्म करें, इसके ऊपर कोई सवाल अशोक जी से, अजय जी खत्म करें, कार्यकर्ता का सम्मान है, क्या सम्मान नहीं करने देंगे? पाणे जी सुनिए, मैं 1989 से हम लोग भी लखनऊ में है, ये सातवीं आठवीं सत्ता देख रहे हैं, जो भी समस्याएं यहाँ के मिनिस्टर की है वो कौन हल करेगा?
मुख्यमंत्री के होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, फिर दिल्ली जाने की राजभर जी को क्या जरूरत पड़ी? क्या यहाँ के जो इनके माननीय मुख्यमंत्री है और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्या वो सक्षम नहीं है उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिए? विषय दूसरी तरफ चला जाएगा, अशोक जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन पहले अब राजीव जी को जोड़। एक अशोक जी, हो गया सर, हो गया अजय जी, हो गया, हो गया, फिर उनकी हो गया, विषय दूसरी तरफ चला जाएगा। राजभर जी पर हमने कल बात की, ओम प्रकाश राजभर साहब पर हमने कल बात की है, कल वो लगातार 20 मिनट हमारे साथ जुड़े रहे थे और उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, उन्होंने खुलकर ये कहा। आप दोनों को हम बता दें, अजय जी, अशोक जी और अजय जी, हम आपको बता दें कि राजभर जी ने खुलकर ये कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमें दिल्ली जाना पड़ा और हमें वहां से भरोसा मिला है। अब हम राजीव श्रीवास्तव जी के पास आते हैं। एक मिनट, राजीव श्रीवास्तव, एक ठीक सर, ठीक, राजीव श्रीवास्तव जी बताइए कि क्या आशंका है कि गुगली किसके साथ होगी, क्योंकि के पांडे जी बार बार जिन नामों का इशारा कर रहे हैं और जिसके बारे में अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं, हम विचारधारा की पार्टी हैं, 6-7 नंबर पर गेम होना है, तो क्या आशंका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरफ गेम दिख रहा है वहां से पलट कर किसी दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि अभी जो तजुर्बा है वो बाय इलेक्शन का है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी में भी जिस तरह की नाराजगी विधायकों की है जमीन पर, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो इस राज्यसभा के चुनाव में वो सारी स्कोरिंग होनी है, तो सारा दारोमदार क्या समाजवादी पार्टी की तरफ सिर्फ इसलिए कि वो 7 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, या फिर बीजेपी के भीतर से भी कुछ आशंकाएं हैं? राजीव श्रीवास्तव जी कैसे डिफाइन करेंगे सर इसे? देखिए, आशंकाएं पूरी हैं और ये सही बात है कि गुगली होनी तय है, वो किसी के भी साथ हो सकती है, या तो सत्ता पक्ष के साथ हो सकती है, विपक्ष के साथ भी हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात इस डिबेट में निकल कर सामने आई है, भाजपा के जो माननीय प्रवक्ता हैं उन्होंने एक संकेत दिया है कि उनके पास में 22 और भी लोग उनके संपर्क में है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ 7 की संख्या की बात नहीं है, अगर 22 लोग संपर्क में है तो कहीं से भी गुगली हो सकती है। और ये कोई भी सपा की बात नहीं, कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उनका समर्थन बसपा के साथ में है। सपा भी अपने जो उनके वोट्स हैं वो, और एक कैंडिडेट के बाद में जो वोट्स और बढ़ रहे हैं वो भी बसपा के साथ में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 9वां कैंडिडेट जो उतारा गया है, भाजपा ने उतारा है, जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ ना कुछ व्यूह रचना की गई होगी और पॉलिटिक्स में कई सारे संकेत भी दिए जाते हैं। और ये 9वां कैंडिडेट उतार के एक खलबली मचाई गई है, विपक्ष को एक संकेत दिया गया है कि उनके साथ में कई और भी लोग हैं जो उनको समर्थन दे सकते हैं। सपा के खेमे की अगर बात करें तो सपा में ये कहा गया है कि वहां पे 7 MLA नहीं गए हुए थे, कुछ भी हो सकता है इस पॉलिटिक्स में, कोई कहीं भी जा सकता है। भाजपा की बात करें, भाजपा में संगठन में और सरकार में सामंजस्य नहीं है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। कई सारे MLA अपने क्षेत्रों के लिए कई बार सत्ता या शासन से, मुख्यमंत्री से कह चुके हैं, कई लोकसभा के सांसद जो हैं वो जाके प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, उनका भी कहना ये है कि उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। और ये जितने भी नाराज हैं, तो चाहे जिस संगठन के हो चाहे जिस पार्टी के हो, नाराजगी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ सकती है, वो सत्ता पक्ष को भी डैमेज कर सकती है, विपक्ष को भी डैमेज कर सकती है, सपा और बसपा का जो रिलेशन है उस पर भी बहुत बड़ा जो है असर पड़ सकता है। अगर बसपा की सीट नहीं निकलती है तो फिर से एक बार होने वाला होगा और कल की रात बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि परसों वोटिंग है ही और 2019 का भी एक संकेत देगी कि 2019 का इशारा क्या मिलता है, तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जब राज्यसभा के नतीजे आएंगे तो हमें उसका पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस डिबेट में आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।
ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।